बेमेतरा के छीतापार गांव में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिसको लेकर ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर इस गाँव में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। इतना ही नहीं, अघोषित बिजली कटौती के चलते ग्रामीणों को परेशान होना पड़ता है, साथ ही स्कूल में शिक्षकों की भी कमी है, जिसके चलते बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में भी तकलीफ हो रही है। इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समस्या हमारे यही समस्या है, हमारे गांव में धंधा पानी अलग जाते, घर घर में कुछ थे नाली बनी ना कहीं। अच्छा, बिजली ऑफिस में बिजली ना बरत लाइन कहीं नहीं, हमारे गांव का यही परेशानी है। जी हाँ, कुछ छीतापार ग्राम से जो है, बेमेतरा ब्लॉक से कुछ ग्रामीण आए हुए थे, उन्होंने एक जनदर्शन में आवेदन दिया है, जिसमें उस गाँव की कुछ समस्याएँ हैं, जैसे कि आपका सड़कें जो हैं काफ़ी उनको चलने में दिक्कत हो रही है बारिश की वजह से, नाली की दिक्कत है, वोल्टेज प्रॉब्लम है, और स्कूल में शिक्षक वगैरह की व्यवस्था है। तो उस संबंध में हमने संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर दिया है उनकी प्रकार में।